जिंदाबाद अयोध्या नगरिया राम दुवरिया श्री राम नगरिया हो। अभी श्री राम जी के नगरिया और मंदिरिया का बहुत ज्यादा क्या है, चर्चा है। आइए जीके जीएस संबंधित जो करेंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे जो आगे चल करके शाश्वत प्रश्न बन जाएगा तो इस पर हम लोग विचार करते हैं। राम मंदिर का फैसला आया 9 नवंबर 2019 को। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन? रंजन गोगोई थे। और वो कैवे मुख्य न्यायाधीश, 46वें मुख्य न्यायाधीश। भूमि पूजन कब हुआ? 5 अगस्त 2020 को। किनके द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, या कह सकते हैं शिलान्यास किया गया। किनके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। कब? 5 अगस्त 2020 को। प्राण प्रतिष्ठानी उद्घाटन किया गया 22 जनवरी 2024 को, ये भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अच्छा, राम मंदिर है कहाँ? अयोध्या में, उत्तर प्रदेश, सरयू नदी के किनारे। कौन शहर बसा हुआ है? अयोध्या। इसके निर्माता कौन है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास। इसके महासचिव चंपत राय। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है। अच्छा, एक बात जानते हैं आप लोग, राम मंदिर को बनाने में खर्चा कितना आने वाला है? ये अनुमानित है, अभी पूर्णतः बनकर तैयार नहीं है। 1800 करोड़ रुपये ये राशि अनुमानित की गई है, ठीक है ना। इसके बाद इसको बनाने वाली कंपनी कौन है? तो L&T कंपनी, जिसको हम लोग लार्सन एंड टब्रो कंपनी कहते हैं। इसका मुख्य बात जानना है, इस पर निगरानी रखेगी कौन कंपनी? तो टाटा कंपनी। कौन कंपनी? टाटा। तो ध्यान में रखेंगे सभी लोग, वस्तुकला इसका बहुत महत्वपूर्ण है, जो हिंदू मंदिर वास्तुकला पर आधारित है। और अगर शैली पूछता है तो नागर शैली। अभी हम लोग जान पाएंगे मंदिर निर्माण की जो शैलियां हैं, जिसमें से नागर शैली और एक बोलते हैं हम लोग, देखते हैं ये जो शैलियां हैं भारत में मंदिर निर्माण की, 3 शैलियां, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत की शैली है और द्रविड़ शैली, द्रविड़ दक्षिण को कहते हैं, दक्षिण भारत की शैली है। बेसर शैली की बात करेंगे तो नागर और द्रविड़ शैलियों का क्या है, ये मिश्रण है। अगर हम लोग बात करते हैं आगे राम मंदिर से जुड़ा हुआ वास्तुकार इसके कौन है, तो रामचंद्र बोलेंगे तो नाम आएगा चंद्रकांत सोमपुरा, या कभी कभार आप लोग को सोमपुरा परिवार भी लिखा मिलेगा। इसके मूर्तिकार कौन है? अरुण योगी राज। बड़ा संयोग लगा है कि रामानंद सागर द्वारा जो रामायण बनाया गया, तो उस रामायण टीवी सीरियल में राम बने हैं अरुण कोविल, और राम मंदिर में राम के मूर्ति को बनाए हैं उनका नाम है अरुण योगी राज। अगर इसका स्थापित मूर्ति, मतलब इस मंदिर में कौन सी मूर्ति की स्थापना किया गया है, तो रामलला की मूर्ति है। और राम जी का 5 वर्षीय बाल रूप को दिखाया गया है और उस मूर्ति की ऊंचाई है 51 इंच, और ये अगर फिट में कहेंगे तो 4.24 फीट होगा, लेकिन मंदिर की ऊंचाई कहेगा तो 161 फीट, और ये कितना में विस्तार है तो 2.7 एकड़, तो ये जान पाए। प्रश्न ये आता है राम मंदिर का इतिहास किस तरह से जुड़ा हुआ है, तो राम मंदिर के स्थान पर पहले बाबरी मस्जिद हुआ करता था, और बाबरी मस्जिद को वही 1528-29 के समय में बनाया गया था, बाबर के सेनापति मीर बांकी द्वारा बनवाया गया था। इसको ध्वस्त कर दिया गया 6 दिसंबर 1992 को, और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया विश्व हिंदू परिषद द्वारा। अभी हम लोग जानने वाले हैं क्या आगे और जीके जीएस। अगर आप लोग से पूछेगा हाल ही में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश कौन बना है, तो जापान। तो जापान चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला कैवां देश बना? 5वां देश, जो 19 जनवरी 2024 को ये कीर्तिमान अपने नाम किया। इससे पहले 4 देश चंद्रमा की सतह पर अपना फतेह लहरा चुके थे, उसमें से अमेरिका का नाम था, रूस का नाम था, चीन का नाम था और अपना भारत का नाम था। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं लकड़ी का उपग्रह कौन बनाएगा, तो जापान बनाएगा।
हाल ही में चर्चा में रहा है व्योम मित्र। तो व्योम मित्र क्या है? तो व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष। ये इसरो द्वारा तैयार किया गया महिला अंतरिक्ष रोबोट है जिसका प्रयोग गगनयान में किया जाएगा। प्रश्न आएगा अगर व्योम मित्र क्या है, तो इसरो द्वारा तैयार किया गया क्या है? महिला अंतरिक्ष रोबोट है। हाल ही में चर्चा में रहा था मेगा ट्रॉपिकल। अगर पूछेगा मेगा ट्रॉपिकल क्या है, तो हाल ही में इसरो द्वारा 12 साल सेवा के बाद प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया है। यह एक उपग्रह है। क्या है? ये उपग्रह है, भारतीय उपग्रह था, जो 12 साल के बाद इसे क्या कर दिया गया है, हाँ, प्रशांत महासागर में गिरा दिया गया। पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा है निसार। क्या निसार? तो निसार में से ध्यान में रखेंगे नासा और इसरो का ये संयुक्त अंतरिक्ष अभ्यास है। अभ्यास नहीं बल्कि अभियान है। इस उपग्रह अभियान में क्या होगा? ये जो उपग्रह निसार छोड़ा जाएगा भूभाग संबंधी जानकारी देगा। अगर पूछता है निसार का पूरा नाम क्या है, तो एन से नासा होगा, ठीक है। इसके बाद आई से इसरो होगा, एस से सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो पूछता है निसार किन दो देशों का संयुक्त अभियान है, तो किसके किसके बीच में है? नासा और इसरो। नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? अमेरिका का। चलिए, हाल ही में भूटान ने सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कर दिया है। अगर आप लोग से पूछेगा कौन देश हाल ही में कुत्तों को नसबंदी कर दिया, सबके ठंडा पड़ा दिया है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट जानते हैं। भारत इस्पात निर्माण करने में विश्व में हाल ही में कैवा स्थान दूसरे स्थान पर आ गया है। तो प्रश्न आता है पहले स्थान पर कौन है, तो चीन है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अगर पूछता है किसके द्वारा चलाया गया, तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया, जिसमें 549 से अधिक बच्चे को उनके परिवार से मिलाया गया। नेक्स्ट हम लोग जानने वाले हैं बिहार में एक मिशन चर्चा में रहा है, मिशन दक्ष। मिशन दक्ष क्या है? तो इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2023 को किया गया है। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, जिसमें 25 लाख बच्चों को दक्ष किया जाएगा। जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, उन लोगों को अतिरिक्त क्लास दिया जाएगा। प्रति शिक्षक को 5 बच्चे गोद लेना है। गोद लेना क्या? गोदी में लेके पढ़ाना है, गोदी में लेके फुसलाना है, पढ़ बेटा पढ़? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। 5 बच्चे को क्या करना है, प्रत्येक शिक्षक अपने बांट लेंगे कमजोर बच्चे को, अतिरिक्त समय देकर के उन्हें दक्ष करेंगे, ठीक है ना। अगर पूछता है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ चलाया जा रहा है, तो ये बिहार में ही चलाया जा रहा है। और अल्पसंख्यकों को नया उद्योग लगाने के लिए कितना दिया जाएगा? 10 लाख रुपए। उत्तराखंड में दो जानकारी ध्यान में रखना है हम लोग को कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। और साथ साथ में समान नागरिक संहिता, जिसे UCC भी कहेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। अगर पूछता है मथुरा में भारत का प्रथम गर्ल्स सैनिक स्कूल खुला हुआ है, बोलिए भारत का प्रथम गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? मथुरा। मथुरा वही मथुरा, मुंह मथुरा जाएगा, बरसाना में लठमार होली खेला जाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे लखनऊ में भारत का पहला सवदाह गृह जो खुला हुआ है, वो पशु के लिए। किसके लिए? अगर पूछेगा पशु के लिए पहला सवदाह गृह भारत में कहाँ खोला गया है, जैसे आदमी लोग को जलाने के लिए क्या होता है, शमशान घाट होता है, पशु को भी जैसे तैसे लोग क्या कर देते हैं, फेंक उग देते हैं, पूरा पर्यावरण दुर्गंध युक्त होता है, बीमारियां फैलती हैं। तो लखनऊ में इस तरह का प्रयास किया गया है कि उन लोग के लिए भी क्या होना चाहिए, सवदाह गृह। शव मतलब जो डेड बॉडी हो जाता है, तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। तो ये जान पाए हम लोग। नेक्स्ट जानते हैं कि अगर पूछता है हर पेमेंट डिजिटल, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो RBI द्वारा चलाया जा रहा है। हाल ही में एक चर्चा में रहा था PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली 300 यूनिट दिया जाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ये योजना का शुरुआत 13 फरवरी 2024 को किया गया है। मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, 13 फरवरी को कोई दिन दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को 2 दिन दिवस मनाएंगे हम लोग, एक राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस। वैसे भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कहेगा तो 8 मार्च जाएगा, राष्ट्रीय बोलता है तो जो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ना। डेजर्ट साइक्लोन 2024
को क्यों याद रखेंगे? ये थल सेना अभ्यास है जो राजस्थान के कहां थार में किया जाएगा, और कौन दो देशों का बीच में? भारत और यूएई, जिसको संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान द्वारा चंद्रमा पर किस तत्व के खोज के बारे में पता लगाया गया है? तो सल्फर के बारे में। किसके बारे में? सल्फर के बारे में। ये जान पाए हम लोग। आइए कुछ पुस्तकों के बारे जानते हैं। अगर आप लोग से पूछेगा हाल ही में आजाद पुस्तक जो है उसको किसने लिखा है, तो नाम है आजाद, और एक पुस्तक का नाम है आजादी, एक का नाम क्या है आजादी, तो दोनों में गड़बड़ाना नहीं है। आजाद बोलेगा तो इस पुस्तक के लेखक है गुलाम नबी आजाद, इनके नाम में ही लगा हुआ है गुलाम नबी आजाद, इनके नाम में गुलाम भी है और देखिए आजाद भी है। आजादी बोलेगा तो अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय की पुस्तक है ये। इस तरह से प्रमुख पुस्तक के बारे हम लोग जान पाए जो हाल में क्या में रहा है, चर्चा में रहा है। ओके आइए इसी तरह से जानते रहेंगे, तब तक के लिए बाय, जिंदगी जिंदाबाद।